أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون पैदाइश हुई थी 571 ईस्वी में और इंतकाल हुआ कब 11 हिजरी में, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान का महीना है, 10 हिजरी में है, ठीक है, 10 हिजरी में अल्लाह के नबी है। वहीं से ही हमको कुछ हालात से मालूम हो जाता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इस दुनिया से कोच करने वाले, अब इस दुनिया से जाने का अल्लाह के नबी का वक्त करीब आ गया। दलील क्या है? दलील रमज़ान के इत्तेकाफ़, कुरान का 2 मरतबा सुनना। अल्लाह के नबी सल्लम ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी रमज़ान में कितनी मरतबा कुरान सुना था, कितने दिन इत्तेकाफ़ किया था? हर बार 10 दिन इत्तेकाफ़ करते थे, लेकिन आखिरी दिनों में 20 दिन इत्तेकाफ़ किया। ये एक दलील हो गई। अब उसके बाद जब मुहर्रम का महीना है, जब रमज़ान के बाद कौन सा महीना है? शव्वाल, फिर ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, यानी 6 महीने से पहले ही अब यहाँ पर कुछ निशानियाँ ज़ाहिर होना शुरू हो चुकी थी, जो आमाल से हमें लग रहा था कि अल्लाह के नबी अब इस दुनिया से जाने वाले। रमज़ान के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म में वो बीमारी शुरू हो गई जो खैबर के मौके पर उस यहूदी औरत ने अल्लाह के नबी सल्लम को जहर दिया था, वो उसका असर शुरू हो चुका था। अल्लाह के नबी ख़ुद अपने इंतकाल से पहले अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कहते हैं कि ऐ आयशा, मैं उस जहर की तकलीफ़ को महसूस करता हूँ जो खैबर में उस औरत, यहूदी औरत ने मुझे दिया था। यानी 6 महीने पहले से अल्लाह के नबी सल्लम के जिस्म में एक बीमारी की इल्लत शुरू हो चुकी थी, मर्ज़ की चीज़ें शुरू हो चुकी थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म दर्द हुआ करता था, कभी कभी बुखार चढ़ जाया करती थी, सख्त बुखार हो जाया करती थी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आता है कि शव्वाल का महीना गुजरा, सफ़र अपने ज़िलक़ादा का महीना गुजरा, ज़िलहिज्जा का महीना गुजरा, ज़िलहिज्जा के महीने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम के तमाम लोगों को कहा कि लोगों, इस साल मैं हज के लिए जा रहा हूँ, जो चाहता है मेरे साथ आ जाए, हो सकता है अगले साल मैं तुम्हारे दरमियान ना रहूँ। और बहुत सारे सहाबा हज्जतुल विदा के मौके पर, आखिरी हज जिसको हम कहा जाता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन लोगों ने हज किया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के जो जितने खुतबात दिए उनमें भी हमको ये बात मिलती है कि जब अरफा के दिन अल्लाह के नबी ने खुतबा दिया उसमें भी अल्लाह के नबी ने कहा कि लोगों, हज के ताल्लुक से जो मुझसे सीखना चाहते हो सीख लो, हो सकता है अगले साल में तुम्हारे दरमियान ना रहूँ। ये भी आप पर एक बात मिल गई। फिर हज्जतुल विदा जब आखिरी खुतबा, हज के दिन का जो खुतबा अल्लाह के नबी ने दिया उसमें भी अल्लाह के नबी ने कहा कि आज के दिन अल्लाह ने दीन को मुकम्मल कर दिया, तमाम की तमाम चीज़ें मुकम्मल हो गई, और अब मैंने दीन को मुकम्मल कर दिया, अल्लाह को गवाह रखकर अपनी शहादत की उंगली को आसमान की तरफ उठाया और 3 मरतबा कहा, ए अल्लाह, मैंने जो तूने मुझे अमानत दी थी, दीन को मैंने मुकम्मल लोगों तक पहुँचा दिया, अल्लाह मैंने लोगों तक पहुँचा दिया, अल्लाह मैंने लोगों तक पहुँचा दिया। अल्लाह को गवाह रखकर तमाम सहाबा के दरमियान इस बात को वाजे कर दिया कि अल्लाह के नबी ने मुकम्मल दिन को हम तक पहुंचा दिया। अब यहाँ से भी अल्लाह के नबी ने हजरत अलविदा के दिन भी अल्लाह के नबी ने कहा, हो सकता है लोगों, मैं अगले साल तुम्हारे दरमियान हज के मौके पर ना रहूँ। और फिर हज हुआ ज़िलहिज्जा के महीने में, और हज को मुकम्मल करने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का आए हुए थे हज के लिए, और लौट गए अब किधर? मदीने की तरफ, ठीक है। मदीने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रह रहे थे ना, तो अब मदीने में हज के बाद, इस बात को गौर से सुनिए, हज के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का थोड़ा शेड्यूल बदल चुका था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो डेली का जो रूटीन था वो थोड़ा सा बदल चुका था। अल्लाह के नबी ज़्यादा से ज़्यादा कसरत करते, ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र अस्कार में लगे रहते, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ें पढ़ते, इस्तिग़फ़ार करते, दुआएँ पढ़ते, अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करने के लिए लग जाते दिन और रात। सहाबा ये चीज़ें देख रहे थे। वहाँ पर तारीख मौरखीन कहते हैं और मुहद्दिसीन कहते हैं कि जो अल्लाह के नबी के आतराफ़ रहे थे वो लोग इस बात को समझ चुके थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब हमसे अलग होने वाले। ज़िलहिज्जा का महीना गुजरा, और फिर ज़िलहिज्जा के महीने फिर वो आयतें नाजिल हो गई। कौन से सूरह थे? सूरह नस्र की, इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयता अन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहमदि रब्बिका वस्तग़फिर, वो आयतें नाजिल की। अब अल्लाह ने तुमको
क्या कर दी, फतेह दे दी, लोग दर जोख दर जोख इस्लाम में दाखिल होते जा रहे है ना, आमल वफूद बहुत ज़्यादा कबीले के कबीले इस्लाम में दाखिल होते जा रहे थे। अब आपका काम क्या है, अल्लाह ने आपकी मदद कर दी, अब आपका काम क्या है, फसबी बेहमद रबी का वस्तफ़िर, आपको क्या करना है, अब तस्बी बयान करना है, अस्तगफार करना है, अब लग जाइए आप उस काम में, लग गए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़िलहिज्जा का महीना गुजरा, ज़िलहिज्जा के बाद कौन सा महीना आया, मुहर्रम, मुहर्रम का महीना है, मुहर्रम के महीने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहर्रम के महीने में अल्लाह के नबी सल्लम के जिस्म में जो बुखार की वो जो बीमारी जो अल्लाह के नबी सल्लम रमज़ान से महसूस कर रहे थे, अब उसके अंदर थोड़ा सा इजाफा होना शुरू हो गया, वो तकलीफ़ बढ़ना शुरू हो गई। मुहर्रम का महीना गुजरा, सफ़र का महीना आया, और सफ़र के महीने के ताल्लुक से एक रिवायत मिलती है, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी के जनाजे में गए हुए थे। किसके जनाजे में गए हुए थे, एक सहाबी के जनाजे में गए हुए थे, जनाजे में शिरकत की, नमाज अदा की, और जब वापस लौट रहे थे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर में बहुत शिद्दत का दर्द होने लगा, अल्लाह के नबी अपने सर को पकड़ लिए, इतना ज़्यादा दर्द होने लगा। और फिर जब अब उसके बाद जब आए सफ़र के महीने में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 29 सफ़र और 11 हिजरी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म में बुखार की शिद्दत इतनी ज़्यादा अख्तियार कर ली कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से अब हरारत बाहर निकलना शुरू हो गई, महसूस बाजू बैठने वाला इंसान महसूस करता था इस चीज़ को। अब अल्लाह के नबी की जो तकलीफ थी वो बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, कब से, 29 सफ़र से, 11 हिजरी मुहर्रम के बाद आ गए ना हम, 10 हिजरी से मुहर्रम में किधर आ गए, अब उसके बाद 11 हिजरी में हम दाखिल हो चुके सफ़र का महीना। अब अल्लाह के नबी सिर्फ 14 दिन बहुत तकलीफ़ में रहे, सफ़र के ये दो दिन 29 और 30 29 और 30 ये दो दिन, और रबीउल अव्वल के 12 दिन, इंतकाल कब हुआ अल्लाह के नबी का, 12 रबीउल अव्वल को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद तकलीफ़ में रहते लेकिन फिर भी जाते मस्जिद नबवी में, जाते इमामत करते, नमाज पढ़ते और घर को लौट आते, नमाज पढ़ते और घर को लौट आते। और फिर वो दिन आया मेरी बहनों, 9 रबीउल अव्वल 11 हिजरे का दिन आया, और वो दिन था जुमेरात का दिन। जुमेरात के दिन तक 9 हिजरी की मगरिब तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इमामत की। अब जब ईशा की नमाज़ के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए तो अल्लाह के नबी की जिस्म में जो बुखार की जो शिद्दत थी इतनी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर ली, इतनी ज़्यादा अल्लाह के नबी सल्लम के जिस्म के अंदर वो हैयत तारी हो गई कि अब अल्लाह के नबी के में उठने की ताकत बाकी नहीं रही। अल्लाह के नबी सल्लम ने अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को हुक्म दिया, अम्मा आयशा सहाबा को कहो कि वो 7 कुओं का पानी लाए, और 7 कुओं का पानी लाया गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक लगन में बिठाया गया और 7 कुओं का पानी डाला गया। उसके अंदर वजह ये थी कि वो पानी की वजह से वो जो शिद्दत है बुखार की वो थोड़ी कम हो जाए, वो कम हो जाए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब 7 कुओं का पानी डाला गया तो अल्लाह के नबी सल्लम के जिस्म के अंदर थोड़ी सी शिद्दत बुखार की कम हुई। हम गौर कर सकते हैं कि हरारत जिस्म की किस तरीके से होती है। नॉर्मली अगर हमारी 100 के ऊपर अगर बुखार चली जाए तो हमारे ख़ुद के जिस्म का हाल क्या होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मुझे एक आदमी के बराबर बुखार नहीं आती, मुझे 2 आदमियों के बराबर बुखार आती है। यह हदीस, ये रिवायत मौजूद है। इतनी इतनी ज़्यादा शिद्दत थी अल्लाह के नबी सल्लम को। और फिर 9 रबीउल अव्वल कि जो ईशा की जो नमाज़ थी उसके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगन में बिठाए गए, पानी डाला गया, थोड़ी सी जो हरारत थी वो कम हुई, थोड़ा सा उठे, लेकिन थोड़ा सा जब जाने की कोशिश की तो बेहोश होकर वहीं पर गिर गए। फिर दोबारा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिर वो पानी डाला गया 7 कुओं का, फिर अल्लाह के नबी उठे, फिर थोड़ा सा जब होश में आए थोड़ा सा चलने की कोशिश की, फिर गए 3 मरतबा ऐसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। और जब तीसरी मर्तबा ऐसा हुआ, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वहाँ पर मौजूद थी, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आए आयशा अबू बकर को कहे कि वो नमाज़ की इमामत करे। अम्मा आयशा ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बाप अबू बकर बड़े नरम दिल है, वो आपके अदब आपके एहतराम में ज़ारो ख़तर रो पड़ेंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर को कहिए कि वो इमाम बने, वो इमामत करवाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, जलाल में आ गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे आयशा कहो अबू बकर को कि वो इमामत करवाए। अम्मा आयशा ने सोचा कि मैं अज़वाजे मुतहररात, क्योंकि 9 बीवियाँ अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में इस वक्त मौजूद थी, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी हफ़्ता जो ज़िंदगी का आखिरी हफ़्ता था वो आखिरी हफ़्ते में अल्लाह के नबी किसके पास थे,
अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास थे और अल्लाह के नबी ने इजाज़त ली थी तमाम के तमाम उम्मातुल मोमिनीन से कि मुझे क्या आयशा के पास रहने की इजाज़त है। देखिए गौर करिए अल्लाह कितने इंसाफ के आला मियार पे मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर चाहते तो बोल देते कि मैं आयशा के पास रहूँगा। क्या कहा, अगर मेरी तमाम की तमाम बीवियों से कहा क्या तुम इजाज़त दोगी मुझे आयशा के पास रहने के लिए, तमाम के तमाम बीवियों ने कहा कि अल्लाह के नबी जब आपकी चाहत है तो अब बिल्कुल आपको इजाज़त है। किसी बीवी ने इनकार नहीं किया। और फिर अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास एक हफ्ता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छः रबीउल अव्वल से लेकर पूरा का पूरा अब हफ्ता अल्लाह के नबी किसके पास रहे, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास रहे। अम्मा आयशा ने क्या सोचा, जो इतने उम्मतुल मोमिनीन है ना अभी ये नौ उम्मतुल मोमिनीन इन सबको अगर मैं बोलूँगी तो हो सकता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बाप अबू बकर की बजाय उमर को इमामत करने के लिए बोले। तो तमाम के तमाम बीवियों को तैयार किया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आई और तमाम के तमाम बीवियों ने जब यही बात कही जो अम्मा आयशा ने कही थी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गुस्से में आ गए और कहने लगे ए आयशा तुमने वही हरकत की है जो यूसुफ वालियों ने यूसुफ के साथ की थी। और फिर कहा जाओ कहो अबू बकर को कि वो इमामत करवाए। और फिर बोला गया फिर अब यहाँ से अब ईशा की नमाज से नौ रबीउल अव्वल की ईशा की नमाज के बाद से अब आगे पूरी इमामत करने वाले कौन है, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। नौ का दिन गया, दस का दिन आया, ग्यारह का दिन गुजरा, बारह की सुबह आई तो मुझे बोलो कितनी नमाजें हुई। मैंने नमाजों का नाम आपको इसीलिए लेके समझाया ताकि आप मुझे बोले। ईशा की एक नमाज, जुमेरात की एक, हाँ उसके बाद जुमा के पाँच कितने हो गए, हाँ फिर हफ्ते के पाँच कितने हो गए, हाँ उसके बाद इतवार के पाँच कितने हो गए और पीर की फजर कितने हो गए। याद रखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 17 नमाजें अपनी ज़िंदगी की आखिरी नमाजें अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़ेरे इमामत पढ़ी। इस बात को याद रख लीजिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दौरान रिवायत में आता है और सही रिवायत है कि एक मरतबा मस्जिद गए और मस्जिद में जाने के बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दाहिने की तरफ बैठ गए, बीच में अबू बकर को बिठा दिया और उनके पीछे पूरी कौन है, पूरी उम्मत है। इसके ज़रिए अब यहाँ पर बता दिया गया पहले मैं उसके बाद अब मेरी जो तमाम के तमाम मिशन को लेकर कौन चलेंगे, अबू बकर लेकर चलेंगे। और इमामत के ज़रिए भी बता दिया कि अब इसके बाद अगर कोई खलीफा होंगे तो वो कौन होंगे, अबू बकर होंगे। और तमाम के तमाम लोगों के जो लीडर बनेंगे अब वो कौन करेंगे, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करेंगे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आता देखकर बहुत खुश हुए और मिंबर से हटने लगे। अल्लाह के नबी ने कहा कि नहीं अबू बकर तुम वहीं रहो। फिर अल्लाह के नबी जाकर दाहिनी तरफ बैठ गए और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ अदा की। नमाज़ अदा करने के बाद तमाम के तमाम मस्जिद नबवी में मौजूद तमाम के तमाम सहाबा को कहा लोगों मैं अपने आप को तुम्हारे दरमियान पेश करता हूँ, अगर मैंने किसी पर कोई जुल्म किया है, अगर मैं तुम में से किसी को कुछ भी अगर कर्ज देना है, अगर किसी को मेरी तरह से तकलीफ़ हुई है तो मैं आपके दरमियान तो अपने आप को तुम्हारे दरमियान पेश करता हूँ, वो तुम आकर मुझसे क़िसास ले ले, वो मुझसे आके बदला ले ले। अल्लाह अकबर, सोचो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना डर था एक एक छोटी छोटी चीज़ का। आज हम हमारी ज़ुबानें खोल देते हैं, हम हमारे हाथ खोल देते हैं, आज हमारे दिमाग गंदे कर देते हैं, हमारे दिल पूरे के पूरे गैर महरूमों से भर चुके हैं आज हमारे मुसलमान लड़कियों के। सोचो थोड़ी देर के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम अलल खता, अल्लाह ने हर गुनाह माफ़ कर दिया, जबकि वो कोई गुनाह करते ही नहीं थे ना उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई गुनाह किया। लोगों के दरमियान कहा लोगों मैं तुम्हारे दरमियान हाजिर हूँ, जो मुझसे बदला लेना चाहता है वो आज बदला ले ताकि कल क़यामत के दिन वो अल्लाह के सामने बदला लेने वाला ना बने। अल्लाह कितनी बड़ी और अहम चीज़ थी, यहाँ पर गौर करिए। अब हदीस में आता है कि एक सहाबी उठे और कहने लगे अल्लाह के नबी आपने एक मरतबा मेरे से 3 दीनार लिया था और आपने वापस नहीं किया, शायद आप भूल गए। अल्लाह के नबी ने कहा अब्बास के बेटे अब्दुल्ला बिन अब्बास को कहा कि वो इसको लौटा दे। फिर एक दूसरे सहाबी उठे और कहने लगे अल्लाह के नबी मैं आपके 3 दिरहम देना बाकी हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा कि वो दिरहम लेकर इसको दे दो। फिर एक सहाबी उठे और उठकर कहने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे अहद में आपने मेरी जो पीठ थी ना वो नंगी पीठ थी और आज सफ़ों को सीधी करने में मेरी पीठ पर थोड़ा सा ज़ोर से आपने उस छड़ी को लगाया था। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाजू बैठे हुए हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हालत बुखार की हालत है, बीमारी की हालत है, और वो सहाबी उठे और कहा कि मुझे इसका बदला चाहिए।
उमर रजी अल्लाह तआला ने गुस्से में आ गए और कहने लगे, अगर तू बदला लेना चाहता तो मुझसे बदला ले ले, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अल्लाह के नबी ने हाथ रख दिया, ए उमर तुम खामोश हो जाओ। अल्लाह के नबी ने खामोश कर दिया। वो सहाबी आए, अल्लाह अकबर, कुर्बान हो जाइए मेरे और आपके सहाबा पर। अल्लाह के नबी सल्लम के पास आए और अल्लाह के नबी सल्लम कुर्ता पहने हुए थे। अल्लाह के नबी को कहा कि अल्लाह के नबी, जिस वक्त आपने मुझे छड़ी मारी थी ना, उस वक्त मेरे जिस्म पर कपड़ा नहीं था, मेरी पीठ नंगी थी, तो आपकी भी पीठ नंगी होनी चाहिए। उमर रदी अल्लाह तआला अनु और गुस्से में आ गए, ये कैसा आदमी है, अल्लाह के नबी सल्लम से क़िसास लेगा, अल्लाह के नबी से बदला लेगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी ने देखो यहाँ पर इंसाफ का तकाज़ा, अल्लाह के नबी कितना इंसाफ करने वाले थे। अल्लाह के नबी ने अपने कुर्ते को खोल दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल जिस तरीके से उस सहाबी की पीठ खाली थी, इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लम भी वहाँ पर फिर मस्जिद नबी में ठहर गए और उस सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ रहे हैं। अब गौर कीजिए, तमाम के तमाम सहाबा अल्लाह के नबी को देख रहे हैं, उस सहाबी को देख रहे हैं। उस सहाबी अल्लाह के नबी सल्लम के पास पहुँचते और ज़ोर से एक चप्पी लगा के अल्लाह के नबी सल्लम को हक कर लेते, अल्लाह के नबी को गले लगा लेते। अल्लाह अकबर। और फिर वो सहाबी कहते हैं कि अल्लाह के नबी, मैं आपसे कैसे बदला ले सकता हूँ, आपकी कुर्बानियाँ आपके ऊपर, मैं और मेरी नस्लें आप पर कुर्बान, मैं आपसे कैसे बदला ले सकता हूँ, मेरी तो बस ख्वाहिश ये थी कि मैं आपकी आपको गले लगाऊँ, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि फिर मैं कभी आपको इस तरह गले लगा पाऊँगा या नहीं, आपको मिलूँगा या नहीं। सोचे थोड़ी देर के लिए, कैसी कैसी मोहब्बत थी हमारे सहाबा की। अल्लाह के नबी ने अपने आप को मुकम्मल तौर पर खिसास के लिए ठहरा कर दिया। ये नहीं सोचा कि मैं बड़ा हूँ, मैं लीडर हूँ, मैं इस वक्त का हाकिम हूँ, मेरा बदला अगर मुझसे बदला लेंगे तो लोग क्या कहेंगे। नहीं, अपनी आखिरत को तरजीह दी। पॉइंट यहाँ पर यह है, अपनी आखिरत को तरजीह दी। मुझको और आपको भी अपनी आखिरत को तरजीह देना चाहिए, चाहे हम किसी भी मकाम पर हो, चाहे आप घर के बड़े हो, चाहे आप उम्मत के एक लीडर बनाए गए हो, आपके ऊपर इंसाफ करना लाजिम है। जुल्म का एक ख़तरा भी अल्लाह रब्बुल आलमीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन को सख्त नफरत है जुल्म से। हम जुल्म बिल्कुल ना करेंगे, ना करने वालों को करने देंगे, ये हमारी शनाख्त होनी चाहिए। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब ये वाकया हो गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़िसास के बारे में लोगों के दरमियान रख दी और फिर अल्लाह के नबी घर चले गए। घर चले गए। अब फिर 11 का दिन आया, फिर अब 12 का दिन आया। अब वो 12 का दिन था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर के वक्त अब मस्जिद में नहीं आए, मस्जिद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आए। देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नमाज़ों की कितनी ज़्यादा हिफाजत करने वाले थे। अल्लाहु अकबर। अफसोस है जिस नबी ने अपने आखिरी अय्याम में उम्मत को यह नसीहत की कि लोगों नमाज़ क़ायम करना, लोगों नमाज़ क़ायम करना और मेरी खबर को क्या करना, मेरी खबर को उस तरीके से मत बनाना जिस तरीके से यहूदियों ने, ईसाइयों ने, मजूसियों ने उनके अंबिया को खबरों को इबादतगाह बना दिया। दो नसीहत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सख्ती से की, अरे उम्मत के लोगों नमाजों की हिफाजत करना, नमाजों की हिफाजत करना और मेरी खबर को सजदागाह ना बनाना। आज हमारी नमाजों का हाल देख लो, अल्लाह के नबी बीमारी की हालत में, शदीद बुखार की हालत में मस्जिद को जा नहीं सकते हैं। दो सहाबा को कहते हैं कि सहाबा मुझे अपने गर्दनों पे लो, इधर एक दो सहाबी उनके गर्दन पे हाथ रखते हैं। अल्लाह के नबी मस्जिद नबी की तरफ जाते, सहाबा कहते हैं कि अल्लाह के नबी को चलने नहीं आ रहा था, अल्लाह के नबी की जो एड़ियाँ थी ना वो घिस रही थी ज़मीन पर, लेकिन अल्लाह के नबी ने नमाज को नहीं छोड़ा। आज हमारे पास कोई फंक्शन है, कोई अगर मेहमान आ जाए या फिर हमारे पास कोई एक इवेंट हो जाए या हम खाली भी हो तब भी हमारी आज हमारी नमाज़ों की आज हमको फिक्र नहीं होती। आखिरी दिन तक भी अल्लाह के नबी ने अपनी नमाज़ों की हिफाजत की। आज हमारी नमाज़ों का क्या मामला है देख लीजिए। चाहे कुछ भी, अगर हम मुसलमान हैं ना तो हमारे ऊपर लाजिम है कि हमारी नमाज़ों की हिफाजत करने वाले बने। अगर हम हमारी नमाज़ों की हिफाजत नहीं करने वाले हैं ना तो सोच लीजिए कल क़यामत के दिन में वो जन्नत की वो बहश्त में मैं और आप नहीं जाने वाले। अल्लाह हिफाजत करे ऐसे लोगों से, मेरी और आपकी, हम सब की, हमारी नस्लों की अल्लाह हिफाजत करे, हमारी नमाज़ों की अल्लाह हमको हिफाजत करने वाले बना दे और वैसी नमाज़ पढ़ने वाले बना दे जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको पढ़ने का हुक्म दिया। आमीन। अब यहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी दो नसीहतें कर दिए। देखो आज हमारी उम्मत का एक बहुत बड़ा हिस्सा खबर परस्ती में डूब चुका है। अल्लाह के नबी ने नसीहत की है कि मेरी खबर को सजदागाह मत बनाना। आज हमारे मुसलमान जाके कहाँ कहाँ सजदा नहीं कर रहे। हाँ, अल्लाह के नबी की तो अल्लाह ने हिफाजत की, वहाँ पर कोई सजदा नहीं करता और क़यामत तक अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी हिफाजत करेंगे। लेकिन आज देख लीजिए न पीरों के, वलियों के, ना जाने किन किन के खबरों को आज सजदागाह बना दिया गया। अल्लाह के लिए अपनी ज़िंदगियों को तौहीद वाली बना लीजिए, शिर्क से बचा लीजिए, वरना फिर हम हमारे सहाबा के मनहज पर नहीं हैं।
सहाबा का मनहज वही मनहज तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मनहज है, वही रास्ता। मनहज किसको कहते हैं? रास्ते को, तरीक़े को। ठीक है, मैं लफ्ज़ थोड़ा इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि हमारे पास गुमराह किया जाता है ये लफ्ज़ को बोलकर। तो कोशिश किया कि ताकि आपके दिमाग में ये लफ्ज़ को मैं बिठा दूँ। ठीक है, अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फजर का वक्त आया, कौन सा दिन? 12 रबीउल अव्वल का दिन, उम्मत पर सबसे बड़ा गम का दिन। शहादत हुसैन का नहीं था बल्कि खुद अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि हमारे लिए सबसे रोशन दिन वो दिन था जिस दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए, और सबसे गम वाला दिन, सबसे अंधेरा वाला दिन वो था जिस दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए। 12 रबीउल अव्वल का दिन है, फजर का वक्त है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में ही नमाज़ अदा करते हैं। और जब मस्जिद नबवी, अल्लाह के नबी से आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का हुजरा बहुत करीब, सिर्फ अगर पर्दा हटाते तो मस्जिद नबवी में दाखिल हो जाते हैं ना, वही दायरे में। आज जितनी मस्जिद नबवी है वो पूरे के पूरे उम्मतुल मोमिनीन का, जितने हुजरे थे वो पूरे उसके अंदर दाखिल हो चुके, बड़ी कर दी गई ना। हमारी मस्जिद नबवी उस वक्त इतनी बड़ी नहीं थी, और मस्जिद नबवी और अम्मा आयशा के हुजरे के दरमियान सिर्फ एक पर्दा था बस, और कुछ भी नहीं था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब फजर के नमाज के बाद, फजर की नमाज के वक्त पर्दा हटाते हैं अम्मा आयशा के हुजरे का, सहाबा को देखते हैं, सहाबा नमाज में उस वक्त मौजूद थे, सहाबा को एक किस्म की खुशी हुई कि पर्दा हटा, यानी अल्लाह के नबी से समाएंगे। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस नहीं आए, अल्लाह के नबी ने पर्दा छोड़ दिया। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने समझा कि शायद अल्लाह के नबी सल्लम की तबीयत कुछ अच्छी हुई है, इसीलिए अल्लाह के नबी ने पर्दा हटाया था। अब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त लेकर अपने घर गए, क्योंकि कई दिनों से अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अपने घर नहीं गए थे। और उनका घर कहाँ था? मदीने की सरहद पर सना नाम के मकाम पर उनका घर था। मस्जिद नबवी और मस्जिद नबवी मदीने के बीच में है, और सरहद सना किधर आता है? सरहद आप देख लीजिए, बीच में और सरहद में एक बहुत बड़ा गैप है। तब अल्लाह अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह इजाज़त लेकर कहाँ जाते हैं? अपने घर की तरफ निकलते हैं नमाज के बाद, चाश्त के वक्त। उनको इस बात का इल्म नहीं था कि अब वो वक्त वही वक्त है जिस वक्त उनके जो रफ़ीक़ हिजरत है वो उनसे दूर होने वाले हैं। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है, मोहम्मद बिन अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, अस्मा बिन अबी बकर उनके भांजे मोहम्मद बिन अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए अल्लाह के नबी सल्लम के हुजरे में, कब? फजर के बाद, चाश्त के वक्त। उनके मुंह में क्या, वो क्या कर रहे थे? मिसवाक कर रहे थे। क्या कर रहे थे? अब देखो आखिरी वक्त है, अगर नबी ने किसी चीज़ को तरजीह दी है तो उम्मत के लिए चाहिए कि वो भी उसको तरजीह दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म में इतना तेज़ बुखार है कि अम्मा आयशा ने उनके सर पर पट्टी बांधती है, और पट्टी में से भापें निकल रही थी, उतनी ज़्यादा सख्त बुखार थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद बुखार में थे, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थे। जब इस सहाबी को देखा, उनके मुंह में मिसवाक थी, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नज़रें उन पर जमा दी। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास आखिरी वक्त अल्लाह के नबी का रहना, यह उम्मत के लिए अल्लाह के नबी की ज़िंदगी की आखिरी तालीमात को देना बहुत अहम था, इसीलिए अल्लाह के नबी ने अम्मा आयशा को चुना था। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शादियाँ हैं उसके अंदर ये तमाम की तमाम चीज़ें वाज़ेह कर दी थी। तो अब जब देखा तो अम्मा आयशा ने समझ लिया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद मिसवाक करना चाहते। पूछा कि आप मिसवाक करना चाहते? अल्लाह के नबी ने इशारा किया, और अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती है कि मेरा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब एक हुआ आखिरी वक्त। कैसे मालूम है? अम्मा आयशा ने अपने मुंह में मिसवाक को कच्चा करके दिया अल्लाह के नबी सल्लम के मुंह में। जब अल्लाह के नबी सल्लम पूरी तरह मुतमाइन हो गए तो फिर मिसवाक को निकाल दिया। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कलिमा दोहरा रहे थे, अल्लाहुम्मा बिरफीकिल आला, अल्लाहुम्मा बिरफीकिल आला, अल्लाह तू मुझे रफ़ीक आला में चका दे दे, अल्लाह मैं तुझसे मुलाकात करना चाहता हूँ। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आवाज़ जो बुलंद थी, अब वो आहिस्ता आहिस्ता धीमी होना शुरू हो गई। अल्लाह के नबी जिस वक्त ये कलिमात कह रहे थे, अल्लाह के नबी की हाथ की उंगली आसमान की तरफ ऊपर उठी हुई थी, जैसे अल्लाह के नबी की आवाज़ कम हुई अल्लाह के नबी का हाथ गिर गया, और अल्लाह के नबी की रूह परवास हो गई। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इस बात को समझ चुकी कि अल्लाह के नबी हमारे दरमियान नहीं रहे। अम्मा आयशा कहती कि ये 12 रबीउल अव्वल का दिन ऐसा गम का पहाड़ हमारे ऊपर टूटा कि हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए।
वो नबी जो अल्लाह के पैगामात को हम तक पहुंचाने का जरिया है, वो आज हमारे दरमियान नहीं रहे, वो हमारे दरमियान अब नहीं रहे, अब वो इस दुनिया से जा चुके। और अब ये खबर आग की तरह फैलती चलेगी पूरे मक्का और मदीना में। तमाम के तमाम सहाबा गम में डूब चुके थे कि अल्लाह के नबी सल्लम इस दुनिया से जा चुके, अल्लाह के नबी का इंतकाल हो चुका, अल्लाह के नबी अपने रब से जाके मिल गए। सहाबा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उमर रजी अल्लाह तआला ने इतने जलील कद्र सहाबी, अल्लाह अकबर, उनके जलाल का क्या कहना जो शैतान देखकर उनको भाग जाए। वो नहीं समझ पा रहे थे, वो कह रहे थे कि अगर कोई ये बात कहे कि नबी सल्लम इस दुनिया से जा चुके तो मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा, गर्दन उसकी तन से उसको जुदा कर दूंगा। अल्लाह के नबी का इंतकाल नहीं हुआ, अल्लाह के नबी मूसा की तरह गए हुए। मूसा गए थे ना 40 दिन तौरात के लिए, गए थे ना, अल्लाह के नबी सल्लम वैसे ही गए हुए, नंगी तलवार लेकर घूम रहे थे उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अल्लाह अकबर। गौर कीजिए, मैं और आप तो अल्लाह के नबी से इतने दूर जमाने के, अगर ये वाकया क़यामत तक भी बयान किया जाए तो हमारी रूहें कांप उठती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के वक्त का ये वाकयात। तो सोचे थोड़ी देर के लिए उन लोगों का क्या हाल हुआ होगा जो अल्लाह के नबी सल्लम के साथ रहते थे। अल्लाह अकबर। उठते थे बैठते थे ये सब काम करते थे। आ रहा है, ठीक है। तो सोचो अब हमारे साथ रहने वाले, हमारे ख़ानदान की अगर मैं मिसाल दूं आपको, अगर हमारे ख़ानदान में किसी का इंतकाल हो गया और हमको पता चला तो थोड़ी देर के लिए तकलीफ होती है, लेकिन वो शिद्दत महसूस हम नहीं कर सकते जो उनके साथ रहने वाले लोग हैं, है ना। सोचो अब अम्मा आयशा का हाल क्या हुआ होगा उस दिन। 18 साल की थी अम्मा आयशा उस वक्त, अल्लाह अकबर, हमसे भी कम उम्र। सोचे 18 साल की उम्र में बेवा हो गई अम्मा आयशा, और 9 अजवाज बेवा हो चुकी थी। सहाबा गम में डूब चुके थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा जो असल मेन मरकज थे अल्लाह के नबी, अब अल्लाह के नबी नहीं रहे। अबू बकर सिद्दीक हज़रत वहाँ पर मौजूद नहीं थे, अल्लाह के नबी अबू बकर कहाँ गए हुए थे, अपने घर गए हुए थे ना, मालूम हुआ वापस आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर एक यमनी चादर डाली हुई थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से वो चादर को हटाते हैं, उनके पेशानी पर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेशानी पर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु बोसा देते हैं और फिर कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर दो मौतें जमा नहीं हो सकती, जो मौत आपको आनी थी वो आ चुकी। अब सोचे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु, अल्लाहु अकबर, ये होता है एक खलीफा, ये होता है लीडर, उसके दिल में जितने चाहे गम हो लेकिन उम्मत को नज़र में रखकर कभी वो रोते हुए पलाते हुए वो लोगों के सामने बहाने बनाते हुए नहीं बैठ जाता कोने में, बल्कि उमर हमारे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु की तरह लोगों के दरमियान आकर लोगों के अंदर इंतशार को कम करते हैं। लोग इंतशार का शिकार हो चुके। अब यहाँ पर उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु का एक मामला हो गया, अली रज़ी अल्लाहु अन्हु कोने में बैठ चुके, अब बिलाल रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु, सोचिए अब आप, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु अपने ईमानी जोर से तमाम सहाबा को आवाज़ लगाते हैं, उनकी आवाज़ सुनकर तमाम के तमाम सहाबा के कान खड़े हो जाते हैं, और जैसे ही अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु तआला आवाज़ लगाते हैं पूरे के पूरे सहाबा आकर खड़े हो जाते हैं। अबू बकर से उमर रज़ी अल्लाहु तआला ठहरे हुए, नंगी तलवार लेकर ठहरे हुए, अभी खुतबा नहीं सुना, अभी उमर अबू बकर ने क्या कहा रज़ी अल्लाहु तआला ने नहीं सुना, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने बुलंद आवाज़ से ईमानी जोशी वलवले से कहा कि लोगों सुन लो, जो मोहम्मद की पूजा करता था वो सुन ले कि अब मोहम्मद इस दुनिया में नहीं रहे, वो मर चुके हैं, उन पर मौत आ चुकी है, और जो सुन ले जो अल्लाह की इबादत करता है अल्लाह अल हय है और वो हमेशा ज़िंदा रहेगा। और फिर उसके बाद सूरह अल इमरान की आयतें तिलावत की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ भेजे गए रसूल है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मौत जो आनी थी वो आ चुकी, और अगर तुम अल्लाह के अगर किसी नबी को, ये सूरह अल इमरान की आयतों का तर्जुमा मैं बता रही हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नाजिल की सूरह अल इमरान की कि अगर किसी नबी को शहीद कर दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए, तो क्या तुम उसके दीन से फिर जाओगे, और अगर फिर जाओगे तो अल्लाह के दीन को कोई नुकसान नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला ने यह आयत सुनी ना सूरह अल इमरान की, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, तलवार को फेंक दिया और फिर बैठ गए।
और उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि यह आयत तो अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में नाजिल हुई थी, आज सुनने के बाद गोया ऐसा लगा जैसे पहली बार मैंने इस आयत को सुना है। अल्लाह अकबर, बैठ गए, खामोशी अख्तियार कर ली। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, जा रहे हैं। अब ये वाकया कब हुआ? 12 रबीउल अव्वल चाश्त के वक्त के बाद। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ ना, अभी अल्लाह के नबी की तदफीन नहीं हुई। ये बहुत अहम पॉइंट बता रहे हैं मैं आपके दरमियान। अल्लाह के नबी को अभी कफनाया नहीं गया, अभी दफनाया नहीं गया। कुछ महाजिर, कुछ अंसार वो जगह से थोड़ा इधर हटे और वो जो जिस जगह पे वो लोग जमा थे उसका नाम है सखीफ़ बनु साद में कुछ सहाबा जमा हुए। जमा होकर कहने लगे, अब अल्लाह के नबी तो इस दुनिया में नहीं रहे, अब इसके बाद खलीफा कौन बनेगा? महाजिर में से होगा या अंसार में से होगा? लोग जब जमा हुए तो उसके अंदर अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी आ गए, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी आ गए। और उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये बात सुनी तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, ऐ अंसार, तुम अल्लाह के नबी के भी अंसार थे और तुम अब अल्लाह के नबी के बाद जो खलीफा होंगे तुम उनके भी अंसार होंगे, और तुम में से कोई खलीफा नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी ने कह दिया था कि खलीफा अगर कोई बनेगा तो वो कुरैश में से बनेगा। और जैसे उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला ने यह बात कही, तमाम के तमाम जो सहाबा वहाँ पर मुहाजिर और अंसार मौजूद थे वो उमर रज़ी अल्लाह तआला की तरफ देखने लगे। उमर रज़ी अल्लाह तआला ने वो उस हालात को देखकर भनक चुके कि लोग मेरी तरफ इशारा कर रहे हैं। और उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, बदबख्ती है मेरे लिए कि मेरी खिलाफत में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रहे, मेरे लिए बहुत बदबख्ती की बात होगी। और फिर उमर रज़ी अल्लाह तआला आगे बढ़े, जैसे ही लोगों का ये निशाना देखा फौरी आगे बढ़े और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला को कहा कि मैं आपके हाथ पर बैच करता हूँ, आपको खलीफा बनाते हैं। जैसे उमर रज़ी अल्लाह तआला आगे बढ़े ना, तमाम के सवाब वहाँ पर कौन सा बनी साद का कौन सी जगह थी? वो सखीफा बनु साद, ठीक है। तमाम के तमाम जितने साहबा वहाँ मौजूद थे पूरे के पूरे आकर बैत कर ली, किस पर? किसके हाथ पर? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला के हाथ पर। अब सिर्फ कुछ लोगों के दरमियान ही हुई, यहाँ पर जो बाज़ राफिजी जो है, बाज़ शिया जो है, वो इस बात की दलील, झूठी दलील देते हैं कि जिस वक्त अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बैत की गई ना उनके हाथ पर कि वो उनको खलीफा बनाया जाएगा, उस वक्त ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अली रज़ी अल्लाह तआला मौजूद नहीं थे। ये झूठी बात है, वहाँ पर वो मौजूद नहीं थे लेकिन बैत उन्होंने की थी, क्योंकि उन तक ये बैत की खबर नहीं पहुँची थी। जब खबर पहुँची तो दोनों ने बैत कर ली। अब दूसरा दिन आया, अब यहाँ पर देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अब यहाँ पर मामला चल रहा है। यहाँ पर अल्लाह के नबी अभी उनका जिस्म मौजूद है, अल्लाह के नबी को अभी ना कफनाया गया ना दफनाया गया, लेकिन पहले खलीफा को चुना गया। बात क्या वाजे हुई इससे? बोलो, बात क्या वाजे हुई इससे? क्या क्या नुकता निकला इससे? लीडर किसी भी उम्मत के लिए बहुत अहम रखता है, बहुत अहमियत के हामिल है। अल्लाह के नबी कि इस दुनिया से जाने के बाद अगर लीडर ना होता तो ये पूरी की पूरी उम्मत इंतशार का शिकार हो जाती। इस्लाम को ख़त्म करने की पूरी चालें चलने वाले दुश्मन तो तैयार थे, अल्लाह के नबी के इंतकाल का इंतज़ार कर रहे थे वो लोग। तो इससे इस बात की दलील मिली कि किसी भी जगह के लिए एक लीडर कंपलसरी है। अल्लाह के नबी ने यहाँ तक के कहा कि अगर तुम में से कोई चार लोग हैं, कोई तीन लोग हैं, तो उसमें से किसी एक को अमीर बना लो, किसी एक को लीडर बना लो। क्यों? क्योंकि लीडर के बगैर कोई काम होने वाला नहीं है, इत्तेहाद के साथ काम नहीं हो सकता। आज अफसोस की बात है मेरी बहनों, आज मुसलमानों का जितना हाल बुरा हो रहा है ना, आज काटे जा रहे, जलाए जा रहे, पीटे जा रहे, फलस्तीन देख लीजिए, आज बर्मा देख लीजिए, चाइना देख लीजिए, कश्मीर देख लीजिए, शाम देख लीजिए, ईरान देख लीजिए, इराक देख लीजिए, आज जितने मुसलमानों पर आज जो जुल्म हो रहा है ना, उसकी वजह क्या है मालूम? क्योंकि मेरा और आपका पुरसाने हाल कोई आज नहीं है। अगर आज मेरा और आपका कोई पुरसाने हाल होता ना, तो ये उम्मत एक मुत्तहिद कौम होती। आज अफसोस की बात है, हम पूरे फ़िरक़ों में बट चुके हैं। तमाम की तमाम उम्मत को एक जगह पर लाने वाले ये अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हमको पैगाम देते हैं यहाँ पर कि एक लीडर कंपलसरी है। जब तक लीडर नहीं बनेगा ना मेरा और आपका, तब तक ये उम्मत यही इसी तरह इंतशार का शिकार बनती रहेगी। इस बात को याद रखें। अब यहाँ पर जब तमाम के तमाम लोगों को मालूम हुआ, अब उमर रज़ी अल्लाह ने ऐलान कर दिया कि ऐ लोगों, हम सब ने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला उनके हाथ पर बैत कर ली, अबू बकर सिद्दीक को खलीफा बना लिया, तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला उनको खलीफतुल मुस्लिमीन का लक़ब दिया गया। खलीफतुल मुस्लिमीन, मुसलमानों का खलीफा, ठीक है। अब यहाँ पर
अब ये दिन हुआ, पीर का दिन हुआ, उसके बाद मंगल का दिन आया। मंगल के दिन अब ये बात हुई कि अल्लाह के नबी को कहाँ, कौन नहलाएंगे, कौन कफन पहनाएंगे और कहाँ दफन करेंगे। फिर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मैंने अल्लाह के नबी को कहते हुए सुना था कि अंबिया को वही दफन किया जाता है जहाँ पर उनका इंतकाल होता है। फिर अल्लाह के नबी को उस जगह से थोड़ा हटाया जाता है, उनकी खबर खोदी जाती है। फिर और उस वक्त खबर बगली खबर खोदी जाती है, ठीक है, बकरी खबर अल्लाह के नबी की खोदी जाती है। फिर सहाबा, कुछ छः सहाबा मिलकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहले बैत में से थे, ठीक है, आते हैं, नहलाते हैं और तीन यमनी चादरों में अल्लाह के नबी को कफन दिया जाता है। और फिर अब उसके बाद वक्त आता है नमाज जनाजा का। कफन तो दे दिया गया, अब यहाँ पर शुरू हो चुकी नमाज जनाजा की बारी। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा की इमामत किसी ने नहीं की। इस बात को नोट करें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाजे की नमाज किसी ने भी इमामत करके नहीं पढ़ाई, बल्कि हुजरा छोटा था इसीलिए लोग फर्दन फर्दन आते और नमाज अदा करते और चले जाते। तो अब वहाँ पर पहले बड़े जितने लोग थे, सहाबा जितने थे, उन लोगों ने नमाज अदा की, फिर उसके बाद बच्चों ने अदा की, उसके बाद औरतों ने नमाज जनाजा अदा की। ये बुखारी की हदीस है, मेरी मायके की ससुराल की हदीस ला के मैं यहाँ बता रही हूँ, मैं बुखारी की हदीस ला के बता रही हूँ। कौन कौन पढ़े बोलो? सहाबा, उसके बाद जो बच्चे सहाबा थे, उसके बाद खवातीन ने, औरतों ने नमाज जनाजा अल्लाह के नबी सल्लम की अदा की। आज हमारे पास नमाज जनाजा अगर औरतें अगर अदा कर रहे बल्कि बोले तो इतना बड़ा फितना क्रिएट करते, ये है ना वो है। मैं तो वही हूँ जो अल्लाह के नबी सल्लम की शरीयत मुझे बताती है, इसीलिए मैंने कहा तहकीक करो, तखलीद नहीं। अब तक थे अंधेरे में, लेकिन अब अंधेरे में नहीं रहेंगे, क्योंकि हम हमारी जन्नत को दांव पे नहीं लगा सकते ना जी, है ना। सब कर सकते हैं, जान गंवा सकते हैं, नस्लों को कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन हमारी जन्नत को दांव पे नहीं लगा सकते। ये सौदा हमसे नहीं हो सकता। सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, लेकिन अल्लाह के दीन पे की शरीयत पर कॉम्प्रोमाइज हमसे नहीं हो सकता। क्योंकि यहाँ पर दीन पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे वो जन्नत का कॉम्प्रोमाइज होगा, और जन्नत का कॉम्प्रोमाइज एक मोमिन हर किसी नहीं कर सकता, हर किसी नहीं कर सकता, हर किसी नहीं कर सकता। अब यहाँ पर देखिए, नमाज जनाजा अदा की, तो इससे हमको मिला क्या? यहाँ पर अगर हमारे पास नमाज जनाजे का कोई इंतज़ाम मौजूद है, मसाजिद में मौजूद है, तो हमको चाहिए कि हम नमाज जनाजा अदा करें, मोमिनीन की मगफिरतों की दुआएं करें। अगर हम लोगों की मगफिरत की दुआएं करेंगे तो हमारे लिए मगफिरत करने वाला कोई होगा ना। हम अगर किसी के लिए नहीं करेंगे तो हमारे लिए कौन करेंगे बोलो? हाँ, हमको करना चाहिए, बल्कि हमारे पास इसका निज़ाम होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लम के दौर में वो निज़ाम मौजूद था, उसको मिटा दिया गया। आज हमारे पास इंडिया, ये पाकिस्तान, ये मेड इन इंडिया पाकिस्तान ही पूरा मामला करे, ठीक है। तो अब यहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लम की नमाज जनाजा अदा की गई। अब इसके अंदर हुआ कितना वक्त? मंगल का वक्त निकल गया, बुध का सारा दिन निकल गया, तीन दिन हो गए अब यहाँ पर। अल्लाह अकबर, खलीफा अबू बकर सिद्दीक ने बना दिए गए, हाँ, तमाम के तमाम लोगों ने यहाँ पर बैत कर ली। अब यहाँ पर बुध की रात में, और वहाँ पर बहुत कम सहाबा मौजूद बाकी रह गए, बाकी के तमाम सहाबा अपने घरों को निकल गए, क्योंकि वो जो हुजरा था वो बहुत छोटा था, कितने लोग रहते। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती है कि बुध की रात में हमने जब फोड़ों की आवाज़ सुनी तो तब हमने महसूस किया कि अल्लाह के नबी सल्लम को दफनाया जा रहा है, वरना उससे पहले हमको इस बात की खबर नहीं थी कि अल्लाह के नबी को दफनाया गया या नहीं गया। अब यहाँ पर गौर कीजिए, अल्लाह के नबी सल्लम को दफना दिया गया।